तो देखो यार, मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत पहले की बात है, और मुझे पता है ये बहुत सारे बंदे लोग के साथ होता है और आप लोग के साथ भी होता होगा। क्या होता था कि मैं जब भी गेम खेलने जाता था या यूट्यूब के लिए गेम प्ले रिकॉर्ड करने जाता था, तो मैं जैसे ही गेम ओपन करता था तो सुनो क्या होता था, सुनो क्या देख ही लो क्या होता था। चल भाई एक और बार 1v1 कर लेते, पिछली बार कैसे हरा था याद है तुझे? अभी के दम है तो 1v1 कर लेना। चल भाई 1v1 कर लेते। नहीं नहीं नहीं, 1v1 कर लेते। के दम है तो 1v1 कर लेते, देख लेते कि कौन अच्छा खेलता है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, ये गेम तक होता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हाल ही में स्कूल भी चालू है, तो आप लोग जब भी स्कूल में जाते हो तो आप लोगों को कुछ ऐसे निब्बे बंदे मिल ही जाते होंगे जो कि आपको 1v1 के लिए चैलेंज करते होंगे, और हम लोग उनको मना कर देते तो बोलते हैं कि भाई तू नूब है, तू मुझसे नहीं जीत पाएगा, अगर जीत पाता तो मेरे से कस्टम करता। और कुछ बंदे तो गाली भी देते स्कूल तो स्कूल कमेंट बॉक्स में भी बंदे लोग कमेंट करते थे पहले कि भाई आ जाओ 1v1 कर लेते, और मुझे पहले अच्छे से 1v1 कस्टम खेलने नहीं आता था। तो देख सकते हो कि रिजल्ट क्या है, तुम्हारा भाई 0-7 से हार क्या है ना कि हरा क्या है, वो बहुत पहले की बात है वैसे, बट फिर भी मुझे 0-7 से तो नहीं हारना चाहिए था। बट तुम्हारा भाई कर ही क्या लेता, क्योंकि तुम्हारे भाई को कुछ नहीं पता था कि पहले कैसे कस्टम खेला जाता है, 1v1 में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए कस्टम में, ये सब कुछ भी नहीं पता था। और तुम्हारे भाई को वन टैप देने आता था पहले भी, बट किसी भी बंदे को हरा नहीं पाता था। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हो, कोई भी बंदा आपको गाली दे, आप 1v1 करने जाते तो हार क्या हो, आप उसको हरा क्या हो। तो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सा स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करना चाहिए, वो सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप कभी भी 1v1 कस्टम नहीं हारोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आज की वीडियो में जो स्ट्रेटेजी बताने वाला, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला, एकदम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, न्यू स्ट्रेटेजी जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं, और आप देख ही सकते हो कि मैं कितना ज्यादा अच्छा खेलता हूं। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं मैं अपनी, बट देख ही सकते कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। आप भी ऐसे खेल पाओगे या मेरे से करोड़ों गुना अच्छा खेल पाओगे अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो आप कभी भी 1v1 कस्टम नहीं हारोगे। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये इंट्रो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो बिना टाइप इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जैसा कि सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है अभी भी बहुत से बंदे वीडियो देख रहे होंगे बट वीडियो को लाइक नहीं किए, बट क्यों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दो स्ट्रेटजी बताने वाला जिसको आपको फॉलो करना है। आपको वन टैप मारने आता है नहीं मारने आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है तो। अगर आपके पास एक दो स्ट्रेटजी भी है और आपको हेडशॉट मारने आता है, वन शॉट मारने आता है, तो आपको कोई भी बंदा नहीं मार पाएगा। तो स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले दो स्ट्रेटजी ही बताने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, और इसको यूज करके आप किसी भी बंदे को कंफ्यूज करके उसको एकदम इजिली वन टैप दे पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करता है। उससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कब करना है। तो जैसे कि मैं आपको बैकग्राउंड में एक क्लिप दिखा रहा हूँ, इस क्लिप में आप देख सकते हो कि एनिमीज मेरा ग्लोअल के पीछे वेट कर रहा है, देख सकते हो राइट साइड, देख सकते हो एनिमीज ग्लोअल के पीछे वेट कर रहा है। अगर ऐसा ही एनिमीज आपका ग्लोअल के पीछे वेट करता है तभी आप ये स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो, जो कि कस्टम में 90% बंदे लोग करते हैं, जो न्यू बंदे होते हैं वो ग्लोअल के पीछे वेट करते रहते हैं आपका, और आप जैसे ही बाहर आओगे आपको वन टैप दे देंगे। और आप इस स्ट्रेटजी को एक और जगह पे अप्लाई कर सकते हो जब एनिमीज आपके सामने जॉयस्टिक मूवमेंट करता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी जॉयस्टिक मूवमेंट करता है, आप जैसे ही बाहर निकलते हो आपको वन टैप दे देता है, तभी भी आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको समझ ही गया होगा कि ये स्ट्रेटजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना चाहिए, क्योंकि कस्टम में ज्यादातर बंदे जॉयस्टिक मूवमेंट नहीं तो ग्लूअल के पीछे छुप के बैठ जाएंगे और आपका वेट करने लगेंगे, तो ऐसे बंदे के टाइम पे ये स्ट्रेटजी काम आएगा। तो ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करते हैं, तो जो मैंने अभी बैकग्राउंड में क्लिप को पॉज किया उसी क्लिप में मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि एनिमी जो है ग्लूअल के राइट साइड है, तो मैंने सबसे पहले एक आगे ग्लूअल लगाया, फिर देख सकते हो कि सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड भागा फिर वापस से राइट साइड भागा, तो एनिमीज को लगा कि मैं राइट साइड से आने वाला हूँ। तो देख सकते हो कि इसमें जब भी ग्लूअल के बहुत ज्यादा पास पहुंचा तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली, लेफ्ट साइड से आने लगा और उसको एकदम इजिली वन टैप दे दिया। मिस मैंने क्या किया, जो उसने सोचा था मैंने उसका अपोजिट किया। मिस आपको क्या करना है इस स्ट्रेटजी में, कुछ नहीं करना, आपको देखना है पहले कि एनिमीज किस साइड है ग्लूअल के, उसके सबसे पहले अपोजिट भागना है, फिर उसी साइड भागना है, फिर वापस से अपोजिट भागना है। और ये आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, बस एनिमीज को पता नहीं चलना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपको रैंक में भी काम आएगा,
टूर्नामेंट में भी काम आएगा और कस्टम में तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी को आपको जरूर से ध्यान रखना है और ये सेम चीज आप जॉयस्टिक मूवमेंट करने वाले बंदे के सामने भी कर सकते हो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपने दूसरे स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हो जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस स्ट्रेटेजी भी आपको सीखना चाहिए। और इस स्ट्रेटेजी आपको कब अप्लाई करना है, जब आप शॉर्ट एज में किसी भी बंदे से फाइट लेते हो तो ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है और आपको कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि आप बैगों में देख सकते हो कि अभी अभी कस्टम स्टार्ट हुआ है और मैंने शुरू के दो राउंड जितने भी शॉर्ट रेंज में फाइट लिया, जैसे कि ये देख सकते हो शॉर्ट रेंज में फाइट लिया हूं, तो मैं राइट साइड से निकल के फायरिंग कर रहा हूं, हर बार राइट साइड से निकल के फायरिंग कर रहा हूं। तो ये मैंने हर बार शॉर्ट रेंज में किया दो राउंड, तो एनिमीज के दिमाग में अच्छे से सेट हो चुका है कि मैं हर बार राइट साइड से ही निकल के फायरिंग कर रहा हूं और वो चाह के भी अपोजिट नहीं कर सकता। अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा और उसको मारूंगा तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उसको बहुत ज्यादा इजिली मैं मार दूंगा। तो जैसे कि देख सकते हो दो राउंड के बाद मैं क्या किया, मैंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया, हर बार लेफ्ट साइड से निकल के मार रहा हूँ। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी जो है आप एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते अपने गेम प्ले में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप भी ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो। इसलिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग सेक्शन में जाना है और बार बार लेफ्ट साइड से फायरिंग करने की कोशिश करना है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एनिमीज के लिए फर्स्ट टाइम होगा कि कोई भी बंदा उसको बार बार लेफ्ट साइड से निकल के मारा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% फ्री फायर के ऑडियंस जो है राइट साइड से ही निकल के मारती है। जैसे मैं अभी मार रहा हूँ, कोई से ग्लोअल के बाहर निकलेंगे, राइट साइड से मारेगी, फिर वापस ग्लोअल लगा ली। तो इसलिए हर एक बंदे के दिमाग में सेट हो चुका है कि एनिमीज हर बार राइट साइड से ही निकल के मारेगा, तो आप उसका अपोजिट करोगे तो एनिमीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपको लगातार नहीं करना है, बीच बीच के राउंड में चेंज क्या करो, मतलब फर्स्ट राउंड में किया तो आपको सेकंड राउंड में नहीं करना है, थर्ड राउंड में नहीं करना है, फिफ्थ राउंड में करो, फोर्थ राउंड में करो और लास्ट राउंड में करो, अपोजिट क्या करो, मतलब हर बार मत क्या करो, नहीं तो बंदे को भी पता चल जाएगा। अभी बढ़ते गए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। ये तो कुछ स्ट्रेटेजी थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। अभी बढ़ते कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आप हर एक 1v1 कस्टम जीत पाओगे। तो पहला टिप्स ये है कि आपको फायर पावर बढ़ाना होगा। फायर पावर यानी आप कितने कम से कम गोली में किसी भी बंदे को खत्म कर देते हो। तो फायर पावर कैसे बढ़ा सकते हो, मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ। आपको कभी भी कस्टम में कंटिन्यू फायरिंग नहीं करनी है। जैसे देख सकते हो मैं MP40 चला रहा हूँ, 4 से 5 गोली चला रहा हूँ, वापस से ग्लो लगा रहा हूँ। ऐसे आपको करना, 4 से 5 गोली लगाना है, वापस सीटअप ग्लो लगा देना है, फिर वापस से 5 से 7 गोली चलाना है, वापस से सीटअप ग्लो लगा देना है। कभी भी आपको कंटिन्यू फायरिंग नहीं करना। अगर कंटिन्यू फायरिंग कर दोगे तो एनिमीज आपको एकदम इजिली वन टैप दे देगा, नहीं तो हेडशॉट मार देगा। इसीलिए आपको कंटिन्यू फायरिंग नहीं करना है, 5 से 7 गोली चलाना है। उसमें क्या होता है, आपका गोली भी रिक्वायर नहीं मारेगा, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। अगर आपका फायर पावर में आप ड्रैग करते हो तो आपका हेडशॉट भी एकदम इजिली कनेक्ट हो जाएगा और एनिमी वैसे ही मर जाएगा। अभी बढ़ते गए दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फास्ट मूवमेंट। आपको मूवमेंट बढ़ाना होगा, तो आप अपना मूवमेंट कैसे बढ़ा सकते हो, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फिंगर मूवमेंट बढ़ाना होगा। फिंगर मूवमेंट बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कस्टम एचडी में हैंडसेट करना है, ट्रेनिंग सेक्शन में जाना है, हर एक बटन का इस्तेमाल करना, ट्राई करना है फास्टली इस्तेमाल करने का, हर एक बटन पे जल्दी जल्दी क्लिक करने का, जो भी काम करते हो जल्दी क्या करो, सीटअप ग्लो लगाते हो तो जल्दी लगाया करो, वन टैप देते हो तो वन टैप देके गन स्विच जल्दी क्या करो, तो आपका फिंगर मूवमेंट भी बढ़ेगा। फिंगर मूवमेंट बढ़ेगा तो फास्ट मूवमेंट आपका हो जाएगा। और आप किसी भी बंदे के साथ 1v1 कस्टम करके जीतना चाहते हो तो फास्ट मूवमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको फास्ट मूवमेंट भी करने आना चाहिए। अभी बढ़ते गए तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रैग। आपको ड्रैग करना है। आप ड्रैग करना सीख जाते तो आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि वन टैप देने के लिए कितना ड्रैग करना चाहिए, हेडशॉट मारने के लिए कितना ड्रैग करना चाहिए। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गाइस ये वीडियो बनाने में मेरी पूरी फट चुकी है, और चैनल पे पहले जल्द से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।